अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मुगलई चिकन लबाबदार की रेसिपी। ये बहुत ही कम समय में बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देख लेते हैं चिकन लबाबदार में किन किन इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल होते हैं। चिकन लबाबदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन को लिया है। चिकन को हम पहले मैरिनेट कर लेंगे। पहले चिकन में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून क्यूमन पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने जिंजर गार्लिक में हरे धनिये को भी डालकर पीस लिया है। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप दही को चिकन में ऐड करूंगी। अब हम इन मसालों को चिकन में अच्छे से मिला लेंगे। मैंने चिकन को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में 1/2 लीटर पानी गर्म हो गया है हमारा। पानी में हम डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज कटी हुई, 8 से 10 बादाम, 2 हरी मिर्च को डालकर हमें 1/2 बॉईल कर लेना है। प्याज हमारी बॉईल हो गई है। अब फ्लेम को 1/2 करके हमें इसे स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने बादाम को छील लिया है। मिक्सचर को ठंडा करके फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। वही पैन में अब हम डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। अब हम ऑयल में डालेंगे हरी इलायची 2 टुकड़े, दालचीनी के 5-6 लौंग और 7-8 काली मिर्च, 1 छोटा जावित्री का फूल को, खड़े मसालों को अब हम ऑयल में डालेंगे और साथ ही साथ डालेंगे 1 तेज पत्ता। खड़े मसालों को ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम प्याज और बादाम का जो मैंने पीस लिया था वो पेस्ट को ऑयल में डालेंगे। प्याज के पेस्ट को हम हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमन पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इन सब मसालों को हम प्याज में फ्राई कर लेंगे। अब हम पैन में डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को मैंने पैन में डाल लिया है। अब इसे अच्छे से मसालों में भून लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से मसालों में चिकन को हाई फ्लेम पे भून लेंगे। चिकन मसालों में भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी को चिकन में अच्छे से मिलाकर टमाटर का कच्चापन जाने तक इसे पका लेंगे। चिकन में मैंने टमाटर को पका लिया है। अब इसमें 1 कप पानी को ऐड कर लेंगे। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लिड लगाकर चिकन लबाबदार को 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए हमारा चिकन लबाबदार पकते हुए 2 मिनट हो गया है। हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं।
अब हम चिकन में डालेंगे 4 टेबलस्पून दूध पर जमी हुई मलाई और 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी। आप बाजार वाली क्रीम भी ले सकते हैं, नहीं तो दूध पर जमी हुई मलाई को भी ले सकते हैं। अब चिकन को हम और थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए हमारा मजेदार मुगलाई चिकन लबाबदार बनकर तैयार है। इसे अब हम डिश आउट कर लें। ये देखिए हमारा मुगलाई चिकन लबाबदार बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार बनता है। आप मेरे बनाए हुए मेथड से एक बार जरूर ट्राई करें। मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।